बेटा, सबसे पहले हम बेटा सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो थोड़ा सा इजी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आज हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सैलरी के प्रैक्टिकल सम्स। जो भी आज हम सम्स करने वाले हैं ना, इसमें सिर्फ मैंने दो टॉपिक्स के क्वेश्चंस डाले, एक फक्यूजिट और एक अलाउंसेस, ठीक है? नहीं भी याद रहेगा मैं याद करवा दूंगा, धीरे धीरे अपने को समझ में आ जाएगा। आ जा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको डाटा दे रखा है। हमेशा याद रखना, सैलरी के सम्स जब भी आप करोगे ना, दो ही कॉलम्स आपको बनाने हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट के। पर्टिकुलर और अमाउंट के बना लो दो कॉलम, पर्टिकुलर और अमाउंट। एकदम धीरे धीरे चलेंगे बेटा, एक एक एंट्री को समझते हुए लिखते हुए चलेंगे। चलो सबसे पहला आपको देखो क्या लिखा हुआ है। आर एक जनरल मैनेजर है टेक्सटाइल कंपनी का, लुधियाना में है, ठीक है? 1996 से काम कर रहा है। उसकी बेसिक सैलरी देखो, तो बेसिक सैलरी आपको कितनी दे रखी है, 1,10,000। सीधा हम आउटर कॉलम में डालने के 1,10,000, ये बेटा पर एनम ही आपको दे रखा है, मंथली नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा हमने आउटर कॉलम में डाल दिया। बेसिक सैलरी 1,10,000। फिर उसके बाद देखो आपको डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है, ठीक है? 2,000 पर मंथ है, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, डियरनेस अलाउंसेस ऑलवेज फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन याद है जब हमने एचआरए का कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला सीखा था तो वहां पे क्या लिखा होता है, डीए कंडीशनल। हमेशा याद रखना, कंडीशनल डीए ओनली एग्जम्पशन के कैलकुलेशन में काम आता है, लेकिन जब आप ग्रॉस सैलरी निकालोगे तो वहां पे आपको पूरा डीए लेना है। ग्रॉस सैलरी निकालोगे तो वहां पे पूरा डीए लेना है, कंडीशनल वाला पार्ट ओनली एग्जम्पशन के कैलकुलेशन में अपन को काम आएगी, ठीक है? चलिए उसके बाद देखो आपको एजुकेशन अलाउंस दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 130 पर मंथ है, ठीक है? 130 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है? जल्दी बताओ कैलकुलेट करके कितना आया, 130 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 चाइल्ड है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आया, 3,120। अब बताओ इसमें से कितना एग्जम्प्ट करते थे, याद है कुछ, 100 रुपीज एग्जम्प्ट होगा, तो हम एग्जम्प्ट कर देंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट इज 2,400। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा बेटा, 720। बताओ इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं आया तक? इसके बाद देखो हमें कमीशन मिला है बेटा ऑन सेल्स, तो सीधा लिख देते हैं सेल्स कमीशन। हमें सेल्स कमीशन मिला है, कितने का सेल्स कमीशन मिला है, 20,000 रुपीज का। हमें क्या मिला है, सेल्स कमीशन 20,000 रुपीज का, क्या मिला है बेटा, सेल्स कमीशन। तो हमने 20,000 का सेल्स कमीशन ले लिया। चलो इसके बाद हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, कुछ बातें याद आ रही बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को डिडक्शन मिलता है। अब मुझे बताओ, हमारे क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इसका फुल्ली टैक्सेबल होगा, हम डिडक्शन की बात नहीं करेंगे। तो कितना है एंटरटेनमेंट अलाउंस, 800 पर मंथ, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 12, 9,600 आपका क्या आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, करेक्ट ना? अच्छा उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उसको गिफ्ट मिला है बेटा क्लॉथ, तो उसको गिफ्ट मिला है किस चीज का, क्लॉथ का, 12,000 रुपीज। याद कीजिए प्रोविजन क्या था, कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है काइंड में तो 5,000 रुपए तक एग्जम्प्ट होंगे, कैश होता तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता, तो हम यहां पे लेस क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कितना, 5,000। तो एग्जम्प्ट हमने 5,000 कर दिया, तो 7,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। देखना इस क्वेश्चन को करते करते आपको याद हो जाएगी सारी थ्योरी। हमेशा एक बात सुनो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में आरएफए दे रखा हो ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन, सबसे लास्ट में करना, सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि आरएफए की सैलरी याद है क्या क्या था, बेसिक वेज, डीए कंडीशनल, ऑल मनी बेनिफिट, ऑल अलाउंसेस। तो पहले क्यों ना हम पूरा ऑल मनी बेनिफिट लिख लें, पूरा ऑल अलाउंसेस लिख दें, सिर्फ यहां से फिगर उठाएंगे और सैलरी निकाल देंगे, समझ में आया? तो इसलिए हम आरएफए के कैलकुलेशन बाद में करते हैं। अब आ जा बेटा, उसको कार मिला है ना, मोटर कार, याद है लास्ट क्लास में अपन ने किया था, कुछ बच्चे नहीं आए थे, समझा देता हूं। मोटर कार बेटा 1.8 लीटर की है, ध्यान से सुनो। मोटर कार का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले पता करो गाड़ी किसकी है, अपने क्वेश्चन में देख के बताओ गाड़ी किसकी है, तो लिखा हुआ है गाड़ी एम्प्लॉयर की है,
ठीक है, और खर्चे भी कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर, ठीक है। ध्यान सुनो, वहां पे प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चे भी एम्प्लॉयर के, और पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट है, ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स है बेटा। पता कर गाड़ी की सीसी कितनी है, अगर 1.6 सीसी से ज्यादा है तो 2400 गाड़ी का और 900 ड्राइवर का, और अगर कम है तो 1800 गाड़ी का और 900 ड्राइवर का, करेक्ट है, इतना ही था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.8 सीसी, मतलब 1.6 सीसी से ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे बेटा, 2400 गाड़ी का। क्या ड्राइवर मिला है उसको? ड्राइवर के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 2400 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आएगा बताओ? 28,800। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, उसके बाद हमें क्या दे रखा है बेटा, आरएफए, ध्यान से इसका प्रोविजन समझना, सॉरी आरपीएफ, इसको पता है क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, सुनना, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मैंने नहीं बताया है, रिटायरमेंट बेनिफिट का टॉपिक अगली क्लास में जब लेंगे उसमें पढ़ेंगे, बट क्या है प्रोविजन वो सुन लो। आरएफए जो भी आपको मिलता है, अगर वो 12% ऑफ सैलरी है तो एग्जम्प्ट होगा, और अगर 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो टैक्सेबल, ठीक है। तो हमें देख बेटा आरएफए कितना मिला है, 15,000 मिला है। अब इसमें से हमें लेस क्या करना है, एग्जम्प्ट। अब एग्जम्प्ट किसका करना है, सैलरी का 12%। तो सैलरी में क्या क्या लेते हैं सुनो, बेसिक वेज तुम्हें लेना है तो 1,10,000 प्लस डीए कंडीशनल। अब देखो हमारे क्वेश्चन में डीए कंडीशनल कितना दे रखा है, 500 पर मंथ लिखा हुआ ना डीए के ब्रैकेट में, कि भाई 500 रुपये पर मंथ जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट है, 500 रुपये पर मंथ का मतलब क्या होगा, 6,000। और बेटा आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स कमीशन दे रखा है, 20,000 है ना, वहां पे 1% लिखा हुआ है, फिक्स लिखा हुआ है ना, 1% कमीशन ऑन सेल्स कितना है, 20,000। तो 20,000 कितना आएगा बताओ, ये टोटल आ गया बेटा 1,36,000, ठीक ना। और इसका हमें कितना निकालना है, 12%, निकालो जरा, 1,36,000 का 12% निकालो, 1,63,320। अगर देखा जाए तो बेटा ये तो मेरा कम मिला है, ये तो कम मिला है ना, तो क्या हो जाएगा, नील, नथिंग इज टैक्सेबल, क्योंकि हमने क्या बोला 12% से ज्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल ना, लेकिन अपन को तो यहाँ पे 12% से कम ही मिला है, तो एंटायर एग्जम्प्ट। समझ में आया नहीं आया? देखो ये हमने सैलरी का 12% निकाला, कितना बना, 16,320, हमें मिला ही कितना है, 15। हमने क्या बोला था 12% तक एग्जम्प्ट है, तो ये तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है। आगे आ जा बेटा, उसका देख इंटरेस्ट दे रखा है अपन को, इंटरेस्ट दे रखा है, कितना इंटरेस्ट दे रखा है, जय ये आ रहा है क्या, देखो यहां तक आ रहा है क्या, आ रहा है ना, हाँ देखो 13,500 बेटा हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट ना, ध्यान से सुनो, ये इंटरेस्ट तुझे किस रेट से मिला है, तो सर वहां पे रेट लिखा हुआ है 13%, ये है ना, 13% से मिला है ये इंटरेस्ट बेटा, 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, कितना एग्जम्प्ट होता है, 9.5%, ये फिक्स है बेटा, तो यहां पे लिखो, ये तो बेटा ये वाला है आरपीएफ का 12%, 13% तो ये वाला है, लेस कितना करना है, 9.5%, तो एग्जम्प्ट। हर्ष एक पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, उसको डाउनलोड करो, एग्जम्प्ट अप टू 9.5%, एग्जम्प्ट अप टू 9.5%। अब यहां पे बेटा यूनिटरी मेथड लगा दो, एक बात बताओ ये 13,500 कितना है, 13% है ना, तो 9.5% तुझे एग्जम्प्ट करना है ना, तो कैसे निकालोगे इसका, 13% अगर 13,500 है तो 9.5% कितना होगा, 13,500 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, और ये यहां भी परसेंटेज लिखोगे, ये भी परसेंटेज, तो ये दोनों तो कट जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, बताओ कितना आएगा, 13,500 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, 9865, पॉइंट हटाओ तो माइनस करके बताओ कितना आ जाएगा, 3,363, 3,635, क्लियर है।
ये सबको समझा बेटा? देखो मैंने सिंपल क्या बोला कि 13% जो तुझे इंटरेस्ट मिला उसमें से 9.5% क्या कर देना एग्जाम, तो हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया कि भाई ये जो मिला है वो तो 13% है ना, तो इसका 9.5% कैसे निकाले भाई? 13% अगर 13,500 है तो 9.5% कितना होगा? तो हमने ये बैलेंस अमाउंट क्या कर दिया एग्जाम, और ये सब क्या हो गया? टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद और कोई कैलकुलेशन बचा है? नहीं। अब हमारा सिर्फ किसका कैलकुलेशन रह गया बेटा? आरएफए का, रेंट फ्री अकोमोडेशन का। हर्ष, ये वाला बात समझ में आया? इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट जो भी आपको मिलता है उसका 9.5% एग्जम्प्ट होता है, रूल है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट जो है वो 13% है, कितना? 13,500। तो इसका 9.5% क्या करना है? एग्जम्प्ट ना। तो अगर 13% इतना है तो 9.5% कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, समझा ना कैलकुलेशन? बाकी ऊपर की बातें मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। चलो अब बात करते हैं बेटा आरएफए की। आरएफए के लिए सैलरी बताओ क्या था? पहले हम आरएफए के लिए सैलरी निकाल लेते हैं। क्या था बेटा सैलरी आरएफए के लिए? सैलरी ऑफ आरएफए क्या था? बेसिक वेज। बताओ कितना है बेसिक वेज? प्लस डियरनेस अलाउंसेस कंडीशनल वाला। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 500 रुपए पर मंथ क्या है? कंडीशनल है, डीए के बाजू में लिखा हुआ है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ जाएगा? 6000 प्लस ऑल अलाउंसेस टू द एक्सटेंट टैक्सेबल, यही सा। अब मुझे बताओ एंटरटेनमेंट अलाउंस है टैक्सेबल कितना है? तो लेंगे कितना? करेक्ट है। ऑल क्या लिखा हुआ था? ऑल मनी बेनिफिट। एक बात बता, कमीशन मनी बेनिफिट है या नहीं है? तो 20,000 करेक्ट है। अच्छा अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल कितना है? 9,600। तो हम इसमें 9,600 दे लेंगे। अच्छा बताओ गिफ्ट क्या अलाउंस है? नहीं ना, इग्नोर। उसके बाद मोटर कार अलाउंस है? नहीं ना, इग्नोर। आरपीएफ अलाउंस है क्या? नहीं ना, इग्नोर। इंटरेस्ट अलाउंस है क्या? नहीं ना, इग्नोर। समझ में आया? अपन को सिर्फ लेना क्या है? टैक्सेबल अलाउंस और टैक्सेबल मनी बेनिफिट। ठीक है, तो इसमें अलाउंस कौन सा? एंटरटेनमेंट, डियरनेस और सेल्स एंटरटेनमेंट। आ रही है बातें समझ में? अच्छा बोनस होता तो वो भी मनी बेनिफिट होता, लीव इनकैशमेंट होता वो भी मनी बेनिफिट होता। ठीक है बताओ ऐड करके कितना आया? 1,06,000, 1,36,000, 1,36,000 और 9, 1,36,000, 1,00,000 नहीं गलत है बेटा, 146,320। ये बेटा आपका सैलरी आ गया। अब मुझे बता इसको घर कहाँ मिला है? लुधियाना में भाई। लुधियाना की कैपेसिटी कितनी होगी? 25,00,000 से ज्यादा होगी ना। तो सीधा हम क्या ले लेंगे सैलरी कितना? 1,46,320 उसका 15% कितना आएगा बताओ? 21,948। अच्छा देखो क्वेश्चन में कुछ रिकवर हुआ है क्या? देखो तो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर कौन सा था बेटा? पॉइंट नंबर 7 देखो रिकवर है ना। ही पेज 11,000 एज ए रेंट है ना, 11,000 एज ए रेंट। तो यहां पे क्या कर देंगे? लेस एग्जम्प्ट कितना बेटा? 11,000। तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा? एक मिनट बता दो पहले इसको कर लेते हैं। 10,948। अब देख बेटा अपने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उसको एक कुक मिला है और एक वॉचमैन मिला है, दोनों की पगार 400 पर मंथ है। ठीक है तो सीधा लिख देते हैं कुक एंड वॉचमैन कितना है बेटा? 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आया? हाँ वो एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला नहीं है क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड लिया ना भाई, बेसिक सैलरी डीए 720 ये है ना एंटरटेनमेंट। वो मत देखो, उसमें मत देखो, आंसर मत देखो उसमें। नहीं सर आपका ही बोल रहा, यहाँ पे आरपीएफ अपन 15% लेते थे ना, तो ये 12% कौन सा आरपीएफ? आरपीएफ कब से 15% होने लगा बेटा? ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12% एग्जम्प्ट। अच्छा वो वाला
और ये RFA है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन है। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि बेटा मैंने प्रोविडेंट फंड बताया नहीं था, अभी इतना करने के लिए समझो पहले। कितना आया बेटा ये? 9600 है ना? ठीक है, चलो दोबारा से बेटा पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं जो बच्चे लेट आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले अपन को बेसिक सैलरी दे रखा है, बाकी बच्चे बेटा इसका ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करके रखो। बेसिक सैलरी दे रखा है हमने 1,10,000, क्या ले लिया? बेसिक सैलरी ले लिया। उसके बाद डीए देखो आपके क्वेश्चन में 2,000 पर मंथ दे रखा है। वो जो 500 दे रखा है ना, वो एग्जम्पशन में कैलकुलेट करने के काम आता है, क्योंकि वो कंडीशनल डीए है। तो 2,000 पर मंथ पूरा टैक्सेबल। उसके बाद हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस, सॉरी एजुकेशन अलाउंस मिला है 130 दो बच्चों के लिए 12 महीने के लिए। तो ये आ गया 3120। उसमें से एग्जम्प्ट कितना करते हैं बेटा? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो ये हमने एग्जम्प्ट कर दिया। अब आ जाओ सेल्स कमीशन, वहां पे लिखा हुआ है फिक्स रेट कितना है बेटा? एट द रेट ऑफ 1% 20,000 दे रखा है हमारे क्वेश्चन में ही। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस हमें दे रखा है 800 मल्टीप्लाइड बाय 12, 9600 एंटरटेनमेंट आ गया। बताओ हर्ष एंड अश्विनी बेटा, यहां तक कोई डाउट? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, उसका तुझे गिफ्ट मिला है बेटा क्लॉथ का, 12,000 रुपए का मिला है गिफ्ट, 12,000 का गिफ्ट मिला है। लेकिन एक बात बता बेटा, 12,000 में से गिफ्ट कितना एग्जम्प्ट होता? 5,000, याद आ रहा? गिफ्ट अगर काइंड में मिलेगा तो 5,000 एग्जम्प्ट, और अगर कैश में मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल। तो हमने यहां से 5,000 क्या कर दिया बेटा? एग्जम्प्ट कर दिया। इसके बाद मोटर कार 2400 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये कैसे आया? मोटर कार की देखो वहां पे कैपेसिटी लिखी हुई है 1.8 सीसी से ज्यादा, जो बच्चे लास्ट क्लास मिसिंग हुए थे बताया था 1.8 सीसी से ज्यादा, 1.6 सीसी से ज्यादा की अगर कार होगी तो फिक्स रेट है बेटा 24 मल्टीप्लाइड बाय 12, जितने महीने के लिए आप कार को इस्तेमाल करोगे। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बेटा 12% तक एग्जम्प्ट होता है। आपके क्वेश्चन में देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपको 15,000 रुपए मिले हैं, ठीक है? उसमें से 12% क्या करना है? एग्जम्प्ट करना। 12% किसका? सैलरी का। यहां पे सैलरी का मतलब देखो क्या होता है, बेसिक वेज, डीए कंडीशनल, और ये कमीशन, ये वाला, ठीक है? इसका 12% अगर मैंने निकाला तो वो आ रहा है 16,320। बेटा 16,320 तो मेरा एग्जम्प्ट है, लेकिन मुझे मिला ही कितना है, इसलिए पूरा एग्जम्प्ट, ठीक है? अच्छा, आरपीएफ का जो इंटरेस्ट मिलता है वो 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है। तो तुझे 13% इंटरेस्ट मिला 13,500, इसमें से कितना एग्जम्प्ट करना? 9.5%। तो बेटा यूनिटरी मेथड लगा दिया, 13% 13,500 है तो 9.5% कितना होगा? समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन मुझे लुधियाना में मिला है, मतलब पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना है? 1,10,000, 6,000, 720, 20,000 और 9,600, इसका 15%। और एग्जम्प्ट कितना? 11,000। आया समझ में? हाँ, ये जो आरपीएफ वाला अपने 13,000 दिया हुआ है ना, वो 16,250 लिखा ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 16,250 है। हाँ। तो उस टाइम क्यों नहीं बोला नलायक को? 13,500 बोलना, उस टाइम बोल दिया करो ना कि अमित सर आपने गलत फिगर लिया है। मुझे क्वेश्चन में ही चेंज कर देना चाहिए था। निकालो जरा कितना आएगा, 16,250 का 9.5 डिवाइडेड बाय 13 कितना? 11,000। टैक्सेबल कितना आएगा? 16,250 में से 11,000, अरे 4375
अब ग्रॉस सैलरी निकाल दो कितना आ गया। हार्ड से नहीं सुनी बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? साहिल आप नोट करो, मैं आपको अलग से बाद में समझाता हूँ, ठीक है? ये नोट करना जरूर भूलना मत, सैलरी की डेफिनेशन है किसके लिए? आरएफए के लिए। नोट हो जाए तो बताओ। आजा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत शांत शांत। क्वेश्चन नंबर 9, चलो फोकस करो सारे बच्चे इधर, अरे शांत इधर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 9, वहां पे देखो आपको बेटा बेसिक सैलरी दे रखा है, कितना है बेटा? 12,000 पर मंथ, कितना आ जाएगा? 1,44,000। उसके बाद देखो आपको बेटा डियरनेस अलाउंसेस दे रखा है, डीए 200 पर मंथ, पूरा का पूरा डीए ले लेना है, समझा? उसके बाद बेटा बोनस दे रखा है, वो 4,000 पर एनम है, तो पूरा बोनस ले लेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन बाद में करेंगे बेटा। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दे रखा है आपको? 500 और नलाइको इधर देख लो बातें कर रहे हो। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दे रखा है? 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज 6,000। उसका देखो उसने कंट्रीब्यूट किया 12%। एक बात मुझे बताओ, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन खुद का वो तो खर्चे हो गए ना, तो इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 15,000, तो पहले यहां पे लिखते हैं। आरपीएफ बेटा एम्प्लॉयर ने कितना दिया? 15,000 दिया, इसमें से लेस क्या कर देंगे? एग्जम्प्ट, कितना बेटा? अप टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी, कितना? 1,44,000 प्लस डीए 2,400। कमीशन तो नहीं दे रखा ना? नहीं दे रखा बेटा, बताओ जरा कितना आएगा? 1,46,400 का 12%, कितना? 7,568। अब देखो बनता कितना है बेटा? 15, और मिला कितना? 15 ना, मतलब 12% से कम मिला, नथिंग इज टैक्सेबल, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? नील। ध्यान से देखो बेटा, साहिल इधर देखो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपको 15,000 मिला है, हमारा लॉ क्या बोलता है? 12% तक एग्जम्प्ट है, ठीक है? अब ध्यान सुनना, मैं एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉई, मैं आपको पीएफ दे रहा हूं आपके लिए इनकम, और आप पीएफ में कंट्रीब्यूट कर, आपके लिए खर्चा आपके का कुछ नहीं करना, ठीक है? लेकिन जो मैं दे रहा हूं आपके लिए इनकम, तो बोला मैं अगर तुझे 12% तक दूं तो नो इनकम, 12% से ज्यादा दूं तो इनकम। अब आप पूछोगे अमित सर 12% किसका? सैलरी का और डीए का। तो सैलरी कितना है? 144, डीए कितना है? 2,400। इसका 12% हमने निकाला तो आया 17,568, इतना बना, लेकिन मुझे मिला कितना? तो कम मिला ना, 12% तक से कम मिला, इसलिए नथिंग इज टैक्सेबल। ज्यादा मिलता तो मान लो यहां 19,000 होता, तो ये हम माइनस करके बाकी सब टैक्सेबल कर देंगे, समझा? यस। अब आजा बेटा, इंटरेस्ट मिला आरपीएफ का, तुझे क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना मिला है भाई? 18,000 मिला है, और एट द रेट ऑफ 12% क्या बोला था? आरपीएफ का इंटरेस्ट कितना एग्जम्प्ट होता है? 9.5%। लेस कर बेटा यहां से, लेस एग्जम्प्ट कितना? अप टू 9.5%, बताओ कितना आएगा बेटा? 12% अगर 18,000 है तो 9.5% कितना होगा? 18,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, बताओ कितना आएगा? फोर्टीन थाउजेंड टू फिफ्टी
तो टैक्सेबल हो जाएगा बेटा 3750, करेक्ट ना? Yes. साहिल ये समझ में आया? देखो इंटरेस्ट जो हमें मिलता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, यहां पे मिला कितना है 12%, लॉ क्या बोलता है 9.5% तक एग्जम्प्ट है। तो देखो 12% अगर 18,000 है तो 9.5% कितना होगा 14,250, यूनिटरी मेथड मैंने किया है, तो ये एग्जम्प्ट, बाकी सब टैक्सेबल, समझा? चलो इसके बाद देख बेटा तुझे क्या मिला, लाइफ इंश्योरेंस कट कर देना, अभी वो टॉपिक अपन ने पढ़ा नहीं इसलिए हम उसको करेंगे नहीं। कार वाला ट्रीटमेंट बता बेटा, मोटर कार तुझे मिला है, फिर से कार की कैपेसिटी कितनी है बेटा 1.8 से ज्यादा, अब तुझे ड्राइवर भी मिला है ना, तो क्या करेंगे 2400 रुपये गाड़ी का, 900 रुपये ड्राइवर का, मल्टीप्लाइड बाय 12, बताओ कितना आएगा? बेटा फिक्स है वो प्लस क्लास ड्राइवर 900 रुपये, कितना 39 आ गया। अब हमारा सिर्फ क्या बच गया बेटा, आर एफ ए, आर एफ ए में देखो आपको घर दिल्ली में दिया गया ना बेटा, तो पहले हम आर एफ ए के लिए सैलरी निकाल लें, सैलरी फॉर आर एफ ए क्या क्या आएगा जल्दी बोलो, बेसिक वेज 1,44,000, डीए 2,400, बोनस मनी बेनिफिट है तो 4,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000, और भी कुछ है क्या? नहीं, इतना ही है ना, बताओ कितना आ गया टोटल 1,50,150, 1,56,400। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लो जरा एक बार, 1,56,400, ठीक है साहिल ये समझा। आर एफ ए के लिए सैलरी का मतलब क्या बताया था, बेसिक वेज, डीए, उसके बाद ऑल मनी बेनिफिट, बोनस इज अ मनी बेनिफिट, अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल कितना है 6,000, करेक्ट है? अच्छा बेटा कितना आ गया 1,56,000। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, तुझे घर कहाँ मिले, दिल्ली में ना, तो दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है ना, तो कितना निकालेंगे इसका 15%, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 15%, 23,460। अब बेटा मुझे बता, तुझे यहाँ पे फर्नीचर भी दिया गया है ना, फर्नीचर देखो वहां पे कॉस्ट लिखा हुआ है फर्नीचर का, क्या बताया था मैंने, अगर खुद का फर्नीचर है तो कॉस्ट का 10% और अगर किराया है तो एक्चुअल किराया, तो ये तो खुद का है ना, तो कितने का है 10,000 का है ना, तो 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000, टोटल कितना आ जाएगा 24,460, करेक्ट ना? और कोई एंट्री रह गई? सारी एंट्री हो गई ना, निकाल दो बेटा ग्रॉस सैलरी, ऐड करके बताओ ग्रॉस सैलरी कितना आया, साक्षी कितना है ग्रॉस सैलरी 2,45,810, चले तो 9th क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं। अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, रफ कर दो श्री, इधर श्री, अरे ये श्री ना वाला श्री नहीं, नहीं नहीं
आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलो फटाफट एंट्री मारो। पहला क्या है बेटा? सैलरी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सैलरी कितना मिला है उसको, 10,000 पर मंथ। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,20,000 करेक्ट है। फिर क्या मिला है? डियरनेस अलाउंसेस 1,000 पर मंथ, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 12,000। फिर क्या मिला है बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस, चेक करो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या? नहीं है सर। तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 क्या आ गया? एंटरटेनमेंट अलाउंस। एक बात मुझे बताओ, एम्प्लॉयर आगे देखो क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, पहले यहां तक कॉपी कर लो फिर फोर्थ बताता हूं। हमने बेस सैलरी ले लिया बेटा, डीए ले लिया और एंटरटेनमेंट ले लिया। फोर्थ पॉइंट में बेटा आपको लिखा हुआ है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 10%। बेटा आरपीएफ कितना लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 10%, बताओ टैक्सेबल होगा? नहीं सर, 12% तक तो वैसे एग्जम्प्ट होता है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे? निल। 12% तक तो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है। ये बातें सबको समझ में आई? बेटा 10% ही दिया हुआ है हमें, 12% तक क्या होता है? एग्जम्प्ट। चलिए इंटरेस्ट निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। बेटा बताइए इंटरेस्ट कितना मिला आरपीएफ का? सर 26,000 मिला है। अब इसमें से तू लेस क्या इतना कर देगा, और ये एट द रेट ऑफ 13% है, तो लेस करेंगे हम एग्जम्प्ट कितना तक? अप टू 9.5%। बताओ 20 तो सीधा कर दूं कैलकुलेशन बेटा, 26,000 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय बताओ कितना आएगा? 19,000 7,000 क्या हो जाएगा बेटा आपका? टैक्सेबल। कोई दिक्कत? 9.5% तक क्या होता है एग्जम्प्ट, तो हमने एग्जम्प्ट कर दिया। उसके बाद नीचे वाली एंट्री दे रखी है बेटा सिटी कॉम्पनसेटरी, सीसीए आपको मिला है कितना मिला है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 1200 का आपको सीसीए मिला है। मेडिकल अलाउंस, चलिए याद कीजिए जरा, मेडिकल अलाउंस 15,000 एग्जम्प्ट होता है, याद आ रहा है कुछ? मेडिकल अलाउंस 15,000 एग्जम्प्ट, शर्म करो ना लाइको, मेडिकल फैसिलिटी 15,000 एग्जम्प्ट होता है, ये अलाउंस है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। मेरे हाँ में हाँ भी क्यों मिला रहे हो? और मैं इसलिए दूसरी बार रिपीट किया कि सोमेश मुझे आंसर सही देगा, नलायक फिर भी हाँ में हाँ मिला रहा है। 5,000 आ गया बेटा मेडिकल अलाउंस। अच्छा आठवीं एंट्री तो तुम बता दोगे, कार वाली, मोटर कार कितने की कैपेसिटी है बेटा? 1.8 ना, तो मतलब 1.6 से ज्यादा हो गया। अच्छा एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी है बेटा, इट्स एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी आर मीट बाय हिम, द कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल एज वेल एज प्राइवेट पर्पस, तो 2400 × 12 कितना आ जाएगा? 2800 करेक्ट है। चलिए इसके बाद हमें क्या मिला है? आरएफए बाद में करते हैं बेटा, नाइन्थ वाला बाद में करते हैं, आरएफए है वो। टेंथ पे आ जाओ, क्या क्या मिला है बेटा इसको? स्वीपर मिला है, वॉचमैन भी मिला है, उसके बाद गार्डनर भी मिला है। सबकी सैलरी कितनी है बेटा? एक की है 150, फिर 200 और फिर 150 मल्टीप्लाइड बाय 12, बताओ कितना आएगा? 6,000 पक्का ना? 300, 500, 6,000 आएगा ना। चलिए साक्षी बेटा इसका कैलकुलेशन बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन, याद आ रहा कुछ बातें? आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर लोन का इंटरेस्ट निकालेंगे और जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल। पहले ये बता आपने क्वेश्चन में लोन कितना दे रखा भाई? 1,00,000 करेक्ट है।
और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ना 12% SBI का रेट दे रखा, उसमें 7% उससे रिकवर किया गया, तो फायदा कितने का? ओनली 5% का, समझ में आया? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7% उससे लिया गया है, तो फायदा कितने का? 5% मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अच्छा कितने महीने के लिए भाई? देखो लोन कब दिया गया है, मई में दिया गया, मई मंथ में, तो 11 महीने है ना। 11 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा बताओ? 4583 करेक्ट है। अच्छा और अब हमारा सिर्फ RFA रह गया, तो हम RFA की कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले बेटा RFA कहाँ मिला है ये देख लेते हैं। दिल्ली में मिला है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पहले RFA की सैलरी निकाल ले। सैलरी फॉर RFA क्या क्या लेंगे? बेसिक वेज लेंगे 120, DA पूरा ले लेंगे। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में क्या DA कंडीशनल लिखा हुआ है? नहीं, तो नहीं लेंगे। जब तक कंडीशनल नहीं लिखा होता, और मुझे बताओ कंडीशनल चेक करने के चार तरीके कौन कौन से बताए थे? कैसे पता चलता है DA कंडीशनल है? कैसे पता? ले भी सकते नहीं भी ले सकते, लेकिन आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। मान रहे हो तो? हाँ। अब मुझे बताओ DA लेने के चार कंडीशन क्या थे? अगर पार्ट ऑफ सैलरी है, करेक्ट, और पार्ट है, और साफ ही लिखा हुआ है कंडीशनल। चार बातें कैसे पता चलेगा तेरा DA कंडीशनल है? अगर कंडीशनल है लिखा हुआ तो, पार्ट ऑफ सैलरी है तो, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो, और पार्ट ऑफ PF है तो, क्या मान लेंगे हम कंडीशनल? कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए हम DA नहीं लेंगे। अच्छा एंटरटेनमेंट अलाउंस लेंगे, हाँ सर 12,000 ये ले लेंगे। उसके बाद सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस ले लेंगे 1200 का, मेडिकल अलाउंस ले लेंगे 5000 का, करेक्ट है। स्वीपर वॉचमैन और गार्डन लेंगे, क्यों सर? वो फैसिलिटी है। चलो बताओ कितना आ गया सैलरी? 1,49,000 ना, 38,200 अरे 1,38,200 कैसे भाई? 1,20,000 सैलरी, 12,000 अच्छा वो 1,200 है क्या? नहीं 12,000 अच्छा 1,200 है ना, मैं उसको 12,000 मान रहा था। 1,38,000 करेक्ट है। इसका कितना? 15% बताओ कितना आएगा? 27,30 और भी कुछ मिला है क्या? फर्नीचर वगैरह नहीं है ना? फर्नीचर नहीं मिला है, तो ले तो लिए सारे, लिया ना 5,000। और कुछ तो नहीं दे रखा ना फर्नीचर वगैरह? हाँ कितना आया भाई 15%? 7,730 खत्म। और कुछ तो नहीं है ना? ये आ गया आपका ग्रॉस सैलरी, बताओ कितना? इस बार अच्छे से कैलकुलेट करके बताओ। कौन सा 9th वाला बाकी है? 9th तो कर दिया, यही तो है RFA। टू लैख 17,300 थर्टीन करेक्ट है। साहिल समझा ये क्वेश्चन? कोई भी एंट्री में डाउट हो पूछो, ठीक है। हर्ष आपको वो फिक्स है बेटा, अगर आपकी सीसी जो होती है ना 1.6 सीसी से ज्यादा है और गाड़ी का इस्तेमाल तूने पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट किया, तो 2400 रुपये गाड़ी का और 900 रुपये ड्राइवर का। अब यहाँ पे ड्राइवर तो मिला नहीं है, सिर्फ गाड़ी गाड़ी मिली है, इसलिए 2400। ये रूल फिक्स है, ये चार्ट लिखवाया था, आप लास्ट क्लास मिस कर गए थे ना, इसका वीडियो अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा एक बार। सर
अब बेटा रहने दो, मैं मान लो रेंट है ही नहीं। कौन सा रेंट? एंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो तो। अरे हाथों में हाथ मिला लिए, एंड क्वेश्चन 500 ले रहा है वो, और मान लो चलो वाला रेंट से ले। सीधा 6000 रिकवर हो रहा है ना, बेटा कान के पर्दे खोल, टोपी लगा रखा है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इसको रफ कर दो, रफ करो, सबने नोट किया? चलिए आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। इतनी स्पीड में कभी घर पे सम किया है? घर पे किया? आजा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। चलो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको दे रखा है कितना? 1,14,000 आपकी बेसिक सैलरी है। अच्छा डीए कितना दे रखा है? 12,000 पर एनम, सीधा सीधा 12,000 डाल देते हैं डीए। और क्या दे रखा है बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस, ध्यान से देखो कितने चिल्ड्रनों के लिए है? 3 चिल्ड्रन, तो 5,700 पर एनम है। इसमें से लेस कितना करेंगे? 2400 एग्जम्प्ट, कितना? 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी 2400 लेस कर देंगे। टैक्सेबल कितना? 3,300। चलिए उसके बाद दे रखा है आपको मेडिकल अलाउंस, कितना है बेटा मेडिकल अलाउंस? 7,200। आरएफए बाद में करते हैं। उसके बाद मिला है बेटा इसको क्या क्या मिला है? डोमेस्टिक सर्वेंट मिला है, वॉचमैन मिला है, और क्या मिला है? स्वीपर भी मिला है। कितना है सबके बेटा सैलरी? 250 पर मंथ ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, कितना आएगा बताओ? 9,000। इसके बाद और क्या मिला है? सेवंथ पॉइंट की एंट्री बेटा हमें नहीं करनी है। उसने खुद का आरएफए में कितना कंट्रीब्यूट किया? 8,000, उसका लेना नहीं है। एम्प्लॉयर ने कितना किया है बेटा? 6,000, तो यहाँ पे लिखेंगे आरपीएफ कितना? 6,000 लेस क्या करते हैं बेटा? एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट कितना करेंगे? अप टू 12% किसका? 1,14,000 का। और डीए कंडीशनल लिखा हुआ है क्या? हाँ है ना, तो 12,000 यस, तो डीए कंडीशनल हो गया ना। कमीशन तो नहीं दे रखा, निकालना बेटा 1,26,000 का 12% निकालो, कितना आ रहा है? 15,120 कम है तो क्या हो जाएगा? निल, समझा? चलो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज की है बेटा? द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फ्री टेलीफोन बिल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्री है तो काहे का मैं टैक्स लगाऊं? आगे प्रोफेशनल टैक्स, इसकी बेटा एंट्री अब हमने नहीं पढ़ी है, बाद में करेंगे इसको। आ जाता हूं सीधा आरएफएफ के ऊपर।
आरएफए कहाँ मिला है? गाजियाबाद, पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है, कितना करेंगे? 15 लाख से ज्यादा 10%, ठीक है? चलो बताओ, शुरू हो जाओ। सैलरी फॉर आर एफ ए 1,14,000 प्लस 12,000 प्लस 3,300 प्लस 7,200 और तो कुछ नहीं है ना? नहीं, बताओ कितना आया? 1,36,500 1,36,500 का 10%। अच्छा, इसमें कुछ फर्नीचर भी दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है ना। अरे 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 बेटा एक चीज अपन ने गलती कर दिया। बेटा आरएफए में जरा सेंटेंस पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। कंपनी आरएफए दे रही है जिस, वो घर जो है खुद का नहीं है कंपनी का, कंपनी ने रेंट पे लिया है। फिर पॉपुलेशन डजंट मैटर, सीधा सीधा 15%। क्योंकि बेटा रेंट पे लिया है, रेंट के लिए पॉपुलेशन डजंट मैटर। याद आ रहा कुछ? हाँ। तो कितना आ जाएगा बताओ? 20 और एक्चुअल सैलरी कितनी है बेटा? एक्चुअल सैलरी, सॉरी एक्चुअल रेंट कितना है? 3000 पर मंथ ना। तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 36000 ना। फॉर्मूला क्या था? विच एवर इज, तो 20,475 आ गया। और फर्नीचर भी है ना, ऐड कर देंगे फर्नीचर 2000 पर नम है ना। फर्नीचर का जो रेंट है वो कितना बेटा? 2000 पर नम। कुछ अमाउंट भी रिकवर किया गया है क्या? नहीं किया गया है, है ना? तो आ जाएगा बेटा 22,475। दिक्कत? अब तो कुछ है नहीं। हाँ, 2000 पर एनम लिखा हुआ ना रेंट। क्लियर है? ग्रॉस सैलरी कितना? 1,67,975। ये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी। हर्ष समझ में आया? साहिल आपको? चलिए अभी देखता हूं किसका हाँ कितना अच्छा है। देखो हमने सैलरी दे रखा है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2,40,000। डीए दे रखा है 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 24,000। बोनस 2 महीने की सैलरी 20,000 × 2। वॉच 9,000 का मिला है, उसमें से लेस कितना होता है? 5,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस 250 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3,000। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब मिला के 12,000 दे रखा है। कमीशन ऑन सेल्स 5% है, किसका? टर्नओवर का, मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। कितना आ गया बेटा? 50,000। अच्छा ये बताना, इसका जरा 12.5% कितना आया बताओ? 3,4,000। और एग्जम्प्ट करो जरा 12%, कितना आया? इसी का 12% बताओ ना, कितना आया? 39,250 और 12% कितना आया? 680। लेस करके 15, ये बताओ कितना आया? 27,000 डिवाइडेड बाय 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.5,
बेसिक वेज, बेसिक वेज डीए फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, हाँ सेम है एचआरए। ये बताओ कितना है ये वाला, 19,000 एग्जैक्ट। ग्रॉस सैलरी निकाल के बताओ, कितना आया ग्रॉस सैलरी? फोर लाख 1,970। सबका सेम आया, चेक कर लेना। ये सारे एंट्री ठीक है ना? कहीं भी गलत है?